गर्मियों में अक्सर खाना बची जाता है, स्पेशली रोटियां। और फिर हमें ये सोचना पड़ता है कि इन रोटियों को कैसे यूज़ करें कि सभी खुशी खुशी खा लें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी ज़बरदस्त कुरकुरी करारी टेस्टी रेसिपी कि यकीन मानिए इसे आपने अगर एक बार खा लिया तो आप रोज़ रोटियां एक्स्ट्रा ही बनाएंगे। आज की जो रेसिपी है वो बेस्ट यूज़ है रोटी का। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ मैंने ली हैं बची हुई 3 रोटियाँ। अक्सर जब भी घर में रोटियाँ बच जाती हैं तो आप इन बची हुई रोटियों से इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। रोटियाँ भी इस्तेमाल हो जाएंगी और सभी को चाय के साथ बढ़िया नाश्ता भी मिल जाएगा। यहाँ मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार। रोटियों को रफली तोड़ तोड़ कर इसमें डाल देंगे क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। हमें इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना है बल्कि इस तरह से दरदरा ग्राइंड करना है। इससे स्नैक्स का टेक्सचर बढ़िया आएगा और नाश्ता देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया। कोई भी नाश्ता हो धनिया का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच अरारोट। अरारोट की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। पहले हमने इसमें थोड़ा अरारोट डाला था और फिर पूरा 2 चम्मच अरारोट डाल दिया है। ये बाइंडिंग का काम करेगा। अब थोड़ा सा डालेंगे पानी और अब बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें क्योंकि हमें मिक्स ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस हल्का सा नम करना है। अब इसे हम रख देंगे साइड में। और यहाँ मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। आलू को हम मैश कर लेंगे। आलू के बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। ये स्नैक्स बनाना बहुत ही आसान है और मात्र घर में रखी चीज़ों से आप जब मन चाहें इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैश करने के बाद इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च। मिर्च की मात्रा को आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही जाएंगे कुछ मसाले। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला। हमने इसमें चाट मसाला डाला है तो नमक को आप हिसाब से ही डालें। 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स हमारा तैयार है। इसे हम रख देंगे साइड में। और अब मैं ले रही हूँ 1/2 कप गेहूं का आटा। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसकी एक स्लरी बनाना है। पहले थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लें, फिर पानी को बढ़ाएं, जिससे इसमें गांठें ना पड़े। हमें इसका एक पतला घोल बनाना है। अब घोल बनकर तैयार है। अभी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे। अब देखिए इस तरह का पतला घोल हमें बनाना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। तो स्लरी भी हमारी तैयार हो गई है। अब फटाफट हम बनाते हैं स्नैक्स। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर थोड़े थोड़े मिक्स को लेकर हम इसे गोल और स्मूथ कर लेंगे। फिर इस तरह से हम इसे चपटा करके टिक्की का शेप दे देंगे। साइज आप अपनी पसंद अनुसार थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। शेप भी आप अपनी मनचाही बना सकते हैं। और यहाँ मैंने सारी टिक्की तैयार कर ली हैं। अब ये जो रोटी का चूरा है ये ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा पानी का छींटा हम इसमें और लगाएंगे। इससे अरारोट गीला होकर रोटी में मिक्स हो जाएगा, फिर ये आसानी से चिपक जाएगा। अब 1 आलू की टिक्की को लेकर इसे पहले आटे की स्लरी में डिप करेंगे और फिर इसे
रोटी के चूरे से कवर कर देंगे। स्लरी लगाने से रोटी इस पर आसानी से चिपक जाती है और हमने रोटी में जो अरारोट डाला है इससे रोटी बाइंड हो जाएगी। चारों तरफ से हम इसे लपेट देंगे इस तरह से। अब इसी तरह से एक एक टिक्की को लेकर के पहले हम इसे स्लरी में डिप करेंगे और फिर रोटी के चूरे में लपेट देंगे और इस तरह से हमारा बची हुई रोटियों से बहुत ही बढ़िया सा स्नैक्स बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कि लुकिंग इसकी एकदम डिफरेंट है। तो चलिए अब हम चलते हैं कुकिंग प्रोसेस में। अब यहाँ मैंने लिया है ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम एक एक करके स्नैक्स को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इन्हें फ्राई करते समय हमें मीडियम गर्म ऑयल चाहिए और फ्लेम को भी हमें मीडियम ही रखना है। जब मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी करारे बनेंगे। एक बहुत अच्छी बात ये है कि ठंडे होने के बाद भी ये क्रिस्पी करारे बने रहते हैं। अब देखिए एक तरफ से ये सिक गए हैं तो हम इन्हें पलट देंगे और एक दो बार अलट पलट करते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए लुकिंग कितनी प्यारी आई है। टेक्सचर से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कितने कुरकुरे करारे बने हैं। आवाज सुनी आपने, बहुत ही क्रिस्पी करारे, एकदम जबरदस्त वाला नाश्ता है फ्रेंड्स। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए स्नैक्स को भी फ्राई कर लेंगे और यहाँ हमारा ये बैच भी तैयार हो गया है। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी करारा, बहुत ही टेस्टी रोटी का स्नैक्स है बिल्कुल तैयार। खाकर भी कोई ये नहीं बता पाएगा कि आपने इसे बची हुई रोटियों से बनाया है। एकदम यम्मी और माउथ वाटरिंग, ऊपर से एकदम कुरकुरे करारे और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया लगते हैं फ्रेंड्स। इसे आप सुबह शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए। अगर ये रेसिपी आपको जरा भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।